Good morning, students. Today, discuss about your maths concept circle the smallest number. बच्चों आज हम मैथ्स में सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और ये समझेंगे कि हम स्मॉलेस्ट नंबर को कैसे सर्च करेंगे और फिर उसमें सर्कल करेंगे. ओके बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम उसकी हेडलाइन रीड करते हैं और ये समझते हैं हमें इस वर्क में करना क्या है. ओके, लेट्स स्टार्ट. सर्कल, सर्कल, ये हमारा सर्कल है. सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें हमें जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है उनमें क्या करना है, सर्कल करना है. ये आपके कॉलम दिए गए हैं, इनमें कुछ नंबर भी राइट है और उन नंबर में आपको ये सर्च करना है कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है और उसमें सर्कल करना है. ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं. दिस नंबर एट, दिस नंबर सिक्स, दिस नंबर टू. अब हमें ये तो पता है कि सिर्फ इसमें भी वन डिजिट है, इसमें भी वन डिजिट है और इसमें भी वन डिजिट है. ओके बेटा, इसमें भी वन डिजिट है तो हम यहाँ पे, अब हमें ये रिमाइंड हो गया कि वन डिजिट हमारा किस लाइन पे होता है, वन की लाइन में. तो हम वन से काउंटिंग करते हैं और देखेंगे जो नंबर हम बोलेंगे क्या वो इस रो में दिया हुआ है. वन, नो, टू, यस. अब हमारा यहाँ पे कौन सा डिजिट दिया हुआ है, टू. तो काउंटिंग में हमारा सबसे पहले कौन सा नंबर हमें मिल गया, टू. तो हम टू हमारा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे. मिल गया ना काउंटिंग से हमें टू सबसे स्मॉलेस्ट नंबर. अब आइए नेक्स्ट रो में देखते हैं. अब पहले इस नंबर को रीड करेंगे, 31, 24, 43. अब हमें ये पता हो गया कि इसमें भी टू डिजिट है, इसमें भी टू डिजिट है और इसमें भी टू डिजिट है. तो सबसे पहले हम इस नंबर को लेंगे और इस नंबर में हम काउंटिंग करेंगे वन से और एक ही नंबर को लेंगे. वन, टू, वन, नो, वन, नो, वन, नो. फिर हम टू लेंगे, टू, नो, टू, यस. अब हमें मिल गया टू ना, टू यस, बट यहाँ पे टू नहीं है. अब हमें पहला नंबर टू मिल गया तो अब हमें ये रिमाइंड हो गया कि हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर टू यहाँ पर है. इससे जो भी डिजिट बनी हुई है वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर ही है. ओके, तो दिस इज 24. इस पे क्या करेंगे, हम सर्कल करेंगे. क्लियर हुआ बेटा कॉन्सेप्ट, हम स्मॉलेस्ट नंबर कैसे सर्च करेंगे. नेक्स्ट, 5, 6, 2. अब हमें देखिए यहाँ पे वन डिजिट इसमें भी है, वन इसमें भी है, वन इसमें भी है. अब हम इसमें काउंटिंग करेंगे. वन, नो, टू, यस, ये हमें टू मिल गया. अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम टू पे स्मॉलेस्ट नंबर पे हम सर्कल कर देंगे. आइए नेक्स्ट रो पे देखते हैं, 22, 19, 32. अब यहाँ पे हमारे इसमें भी टू डिजिट है, इसमें भी टू डिजिट है और इसमें भी टू डिजिट है. तो हम वही प्रोसेस करेंगे, काउंटिंग करेंगे, लेकिन सभी का फर्स्ट नंबर ही हम पहले काउंट करेंगे और इसको देखेंगे. वन, नो, वन, यस, ये हमें वन मिल गया. तो अब आगे देखते हैं वन, बट यहाँ वन तो नहीं है, यहाँ थ्री है. इस रो में हमें वन वाले डिजिट कौन कितने मिले, सिर्फ वन मिला. अगले कौन सा डिजिट है, 19. तो ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है. क्लियर बेटा, नेक्स्ट आइए रीड करते हैं, 40, 60, 20. अब यहाँ पे 40, 60, 20. तो अब हम यहाँ पे वही प्रोसेस करेंगे, इस फर्स्ट डिजिट को ही पहले हम रीड करेंगे और इसमें अंडरलाइन भी सिर्फ कर लेंगे कि हमें इस डिजिट को रीड करना है. पहले काउंटिंग करिए, वन, यस, हमें वन तो पहले ही मिल गया. आगे बढ़ते फिर देखते, वन, यस. अब हमें टू डिजिट में वन मिला. अब आप सोचोगे मैम इसमें टू डिजिट में है तो क्या दोनों नंबर स्मॉल है, नो. आइए आगे देखते हैं, वन, नो, यहाँ पे वन नहीं है. अब हम इस नंबर को लेफ्ट कर देंगे. अब हम इन दो नंबरों में हमें अब कंपेयर करना है, अब इसमें ये स्मॉल है, ये स्मॉल है. आइए अब इस सेकेंड नंबर को की भी काउंटिंग कर लेते हैं. ठीक है, वन, टू, थ्री, नो, फोर, यस, ये हमें फोर पहले इसमें आ गया. अब यहाँ पे फोर तो नहीं है तो हमारा फोर, तो ये हमारा
नंबर। अब हमने इन दोनों नंबरों पे कंपेयर कर दिया तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है हमारा 14। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सल्फर कर देंगे। क्लियर। आइए नेक्स्ट पर देखते हैं 46, 35 एंड 36। चलिए इसमें भी हम फर्स्ट डिजिट के नीचे अंडरलाइन छोटी सी कर लेते हैं, उसके बाद इसमें काउंटिंग करेंगे। 1, 2, 3 यस ये मिल गया। आगे बढ़ेंगे 3 यस ये मिल गया। अब इस नंबर पे तो 3 नहीं मिला तो ये तो हमारा बिग नंबर हुआ। अब आगे देखते हैं 2 नंबर। अब देखिए वही प्रोसेस यहाँ भी हो गया, यहाँ पे भी 2 नंबर है। अब इसमें हम कैसे सर्च करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा स्मॉल नंबर है, तो अब हम इसके सेकंड डिजिट को लेते हैं। यहाँ पे हम करते हैं अंडरलाइन और अब सेकंड डिजिट में भी काउंटिंग कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 तो अब हमारा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया 35। इसमें क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। तो बच्चों आपको स्मॉलेस्ट नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सपोज दैट बेटा अगर आपको कहीं पर भी स्मॉलेस्ट नंबर सर्च करने में कन्फ्यूजन होता है तो आप इस वीडियो को रिपीट करके 1-2 टाइम्स देखिएगा, आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि हम स्मॉलेस्ट नंबर को कैसे सर्च करें और उसमें सर्कल लगाएं। ओके बेटा, थैंक यू।